जननी वंदे उत्कल जननी चारु भासमय जननी 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 भूत पयोधि विधौत शरीरा काल कमाल सुशोभित तीरा सुप्रकटि निकुल शिखर समीरा जननी 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 घन घन वन भूमि राजित अंगे नील भूधर मन साजित रंगे कल कल मुखरित चारु विहंगे जननी 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 सुंदर साली सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र ज्योति शिखर जगदीक जननी पाठक माने ही खबर कागज मालिक ओडिशा सांबादिक संगठन और सका साथी संवाद पत्र मिलित आनुकूल राज्यस्तरीय पाठक पर्व 2024 गीतगोविंद सदन भुवनेश्वर ठारे संपादक प्रसन्न कुमार दास सभापति अनुष्ठित हो आज बर्णाढ़ समारोह प्रथम अधिवेशन अवसरप्राप्त अध्यापिका प्रियंबदा दास ब्रह्मपुर आकाशवाणी केन्द्र उद्घोषिका सुकांति महांती विशिष्ट शिक्षाविद लक्ष्मी आमा नंदड़ा वरिष्ठ संवादिक सोमनाथ महांती और परिवेशविद सुरेन्द्र कुमार कहर सम्मानित अतिथि भाव जोगदे कविता पाठोत्सव अनुष्ठित होता द्वितीय अधिवेशन में उद्घाटन भाव प्राक्तन विचारपति रतिकांत महापात्र जोगदे कविता माध्यम कि गल्प माध्यम पाठक मैंने अनेक किसी शिक्षापी सरल जीवन अतिवाहित करवा शहे गुण संभव हो पार बोली भाषण में कही ओडिया प्राध्यापिका विद्युत प्रभा मिश्र मुख्य वक्ता भाव जोगदे विश्व ब्रह्मांडर प्रकृत सांबादिक प्रभु श्री जगन्नाथ कहीं नयन में प्रति मनुष्यर सत्यतार छवि आंकी रही था वक्तव्य सिद्धगिरी मठ महंत बाबाजी विश्वनाथ दास महाराज बरेण्य अतिथि भाव जोगदे समाज परिवर्तन में संवादपत्र भूमिका सबुठू बेस गुरुत्वपूर्ण बोली वक्तव्य भारत मसलार अध्यक्ष सुरेन्द्रनाथ पंडा विशिष्ट शिक्षाविद डॉक्टर स्वर्णलता लिंका प्राध्यापक सेक्स कलिमुला समाजसेवी विश्वबस ब्राजु निष्ट पब्लिक स्कूल निर्देशक डॉक्टर प्रज्ञा परमिता पाढ़ी और वरिष्ठ सांबादिक शरत चंद्र बेहरा प्रमुख सम्मानित अतिथि भाव जोगदे निजर वक्तव्य देते किसी समय धरी मो कथा श्रवण कर अनुभव करूली जे संवाद द्वारा संवाद पत्र से प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो आपणकर जेकोसी भाव होना कहीं आम पाखे संवाद न पहुँचले आम समाज विषय किसी जापर ना तार माध्यम हुए तो प्रिंट मीडिया हो पारे मोबाइल हो पारे जो ओडिया पुह कोणार्क मंदिर करें भूल कही मंत्री ना कहे राष्ट्रपति ना कहे आम भूल कहीं कहला रख आज आम थका खातिर मंद जो उद्यम कर धन्यवाद दे भाषाभित्तिक राज्य पाइचु यदि भाषा को आम न बचेबा तम भाषा बचीब ना आगामी दिन में भाषार अवक्षय हम तेनाली जो पाठक मैंने अच्छा यंगस्टर मैंने अच्छा मुझे अनुरोध करी जहाँ मैडम कहते केवल ओल्ड पीपुल वृद्ध लोक मैंने मुझे कहूँ जो मैंने षाठी वर्ष ऊर्ध जो मैंने रिटायर हेल्ले केवल से ही मैंने घर टाइम पास कर पेपर पढ़ुं समाज पढ़ुंट मैगजिन पढ़ुंट आपड़ मैंने विश्वास करेंगे कोई जाने ना ये सत्य पाठक पर्व आज आयोजित होता सका साथी खबरकगज आड़शा सांबादिक अनुष्ठान तरफ इटी आमर आलोच्य विषय यह एवं चाहिदा खबरकगज मैगजिन कमी जाए विषय उपरूर आम आलोचना करूँ आज जो आम सकल साथी न्यूज पेपर एवं ओडिशार समस्त न्यूज पेपर आ टी प्रोग्राम टी पाठक सभा कर बहुत हृदयस्पर्शी होता ए बहुत मान्यगण्य व्यक्ति भी आसते जोगदे बहुत युवपीढ़ी उपस्थित थे बहुत किसी कविता आल्प मध्यम कि आपणकर बहुत किसी नीति शिक्षा जोटा कि आमर आज जनसमाज को प्रेरणा दे पार आ युवपीढ़ी मानक आ बेसी माने
ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପତ୍ରର ଭୂମିକା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାତି ପାହିଲେ ଯେମିତି ଚା କପ୍ର ଅଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ, ସେମିତି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯଦି ନଥିବ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟା ନ ପଡ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରି ଦିନଟା ସାରା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ। କୌଣସି କାରଣ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଥିବା ପୂର୍ବଦିନ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ମନେ ପଡ଼େ ଆରେ ଆରେ ଆଜି ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ଟା ଆସିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦିଓ ମୋବାଇଲର ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଉନାହୁଁ। କରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନି, ଯାହାକି ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆମ ପାଇଁ। ଶେଷରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଏସ୍ ନୋ ଜୁଡ଼ିଆ।